हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स। टुडे आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय कैसा जाएगा, ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। मेरे आसपास जो कुछ डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कुंभ राशि के जातकों का एक्वेरियस जिनका जोडिक साइन है उनका 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए और उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे उनके 15 डेज आसानी से उनके पास ऑन हो जाए। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही बताता है कि इस वक्त आप जनता के आंखों में, जनता आपको सर आंखों पर रख लेगी। दैट मीन्स कि आस पड़ोस के जो लोग हैं या ऑफिस में जो कलीग्स हैं, अगर आप ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो सकता है किसी काम को लेके बहुत ही फेमस हो जाए और प्रमोशन हो जाए आपका, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और हो सकता है कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में किसी काम को लेकर के लोग आपको सर आंखों पर रख लें, तो इस चीज़, लेकिन यहाँ इस चीज़ का ही ध्यान रखिएगा कि किसी डिसीजन को लेकर के आप जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मतलब इतने मत खुश हो जाइएगा कि बाद में आप डिसीशन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। घर में अगर हाउस वाइफ हैं आप, या कंपनी में काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। रिच और प्रॉस्पेरस तो आप बनेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं डिसीशन लेने में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये टॉप मोस्ट का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको बहुत इस वक्त कहीं बाहर से कहीं ऑफर आ सकता है, नौकरी के लिए हो, या हो सकता है कि आपको हस्बैंड के थ्रू अपने जो है, या खुद आप जो है अपनी किसी काम को लेके बहुत फेमस हो जाएंगी या हो जाएंगे। बहुत ही लव और फेम का टॉप मोस्ट कार्ड है, हो सकता है किसी काम को लेके आप फेमस हो जाएं। तो इस तरह की यहाँ पे कोशिश करिएगा कि अगर कंपटीशन अगर बच्चे अगर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो लग जाइए। हो सकता है कि कोई वैकेंसी ऐसी हो जो किस्मत में आपकी लिखी हो और हो जाए, तो लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि व्यक्ति यहाँ तक तभी पहुँच पाता है जब वो खुद इतना मेहनत करके आया हो। तो स्ट्रगलिंग व्यक्ति ही इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। लव ऑफ फेम इतना टॉप मोस्ट कार्ड है, दैट मीन्स कि आपको इस वक्त बहुत फेम मिलेगा इस वक्त इसी चीज़ को लेकर के। और इस वक्त आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और न्यूज़ आर्टिकल्स, जर्नल्स, इन सबको पढ़िए। हो सकता है कि कोई जना आपको ही तारीफ करे कि ये देखो इतने नॉलेजेबल पर्सन है, इनसे एडवाइस लेते हैं, तो बिल्कुल हिचकिएगा नहीं, एडवाइस बिल्कुल दीजिएगा। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको फेम मिले, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप औरों को भी पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि आप चीज़ों को भी हैंडल कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम होगी होगी अगर आती है तो उसको भी आप हैंडल कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। कहीं पे झगड़ा दिखा रहा है मेल का फीमेल के साथ, और मेल का फीमेल के साथ, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, और फीमेल अगर आप हैं तो मेल के साथ, यहाँ झगड़ा दिखा रहा है ऑफिस में, घर पे, कहीं भी किसी से विवाद हो सकता है आप। तो ध्यान रखिएगा कि ये विवाद जो है थोड़ा सा आप शांति रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, काम बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर इशू दिखा रहा है यहाँ पर झगड़े का। इस वक्त आप अपने आप को बहुत ही प्रिंसली महसूस करेंगे, दैट मीन्स कि बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस महसूस करेंगे किसी काम को लेकर के, चाहे जैसा भी काम आपका हो, बिजनेसमैन हैं, या अगर आप कहीं पे स्कूल में टीचर हैं, कहीं पे भी अपने काम के लिए आपको इस वक्त जो है वो लोग आपकी तारीफ करेंगे और प्रिंस की तरह महसूस करेंगे। तो ये कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन कहीं डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं, और कहीं किसी से इशू हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शांत रह लीजिए, ज़्यादा अच्छा है बजाय काम बिगाड़ने के। बाकी क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके इस 15 डेज में, वो ना बिगड़ जाए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।